हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोरोना है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, सांस की कोई भी बीमारी है, तो इसमें आपका जो लंग्स है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपने लंग्स को इन्फ्लेमेशन होने से कैसे बचाएं, अपने लंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, लंग्स की कैपेसिटी कैसे इम्प्रूव करें जिससे आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है डीप ब्रीदिंग एंड होल्डिंग एक्सरसाइज। आपको गहरी लंबी सांस लेना है नाक से और उसको 5 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ना है। कैसे करेंगे आप? ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग होल्डिंग। जब आप सांस भरते हैं तो आपको गिनती गिनना है। ये गिनती आपकी 20 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 20 से कम होती है तो आपको आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इसे एक डायग्नोस करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो लंबी गहरी सांस लेकर देखें और रोक कर देखें। अगर आप 20 सेकेंड से ज़्यादा बार उसको रोक लेते हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल सही हैं, और अगर 20 सेकेंड से आप कम इसको रोक पाते हैं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकती है। तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज भी है। आप अपनी नाक से सांस भरें और उसको होल्ड करके रखें, मन में गिनती करें और 20 से ज़्यादा बार गिनती करें और इसको रोक कर रखें। ऐसा आप 10 से 15 बार करें। इससे आपके लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी और आपके जो इन्फ्लामेशन है लंग्स में वो भी कम होगा और आपको सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तीसरी चीज़, आपको एक स्पायरोमीटर लेना है जो कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है तो गुब्बारे का यूज़ करें। गुब्बारे में हवा भरें और छोड़ें, गुब्बारे में हवा भरें और छोड़ें। ऐसा आप 10 से 15 बार करें, सुबह शाम दोपहर कभी भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप हफिंग कफिंग कर सकते हैं। आपको लंबी गहरी सांस लेना है और खांसी की तरह छोड़ना है। कैसे करेंगे आप? ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है। आपकी जो लंग्स में जितनी हवा है वो मुंह से पूरा छोड़ना है गहरी सांस लेने के बाद। ऐसा आपको 10 से 15 बार करें, सुबह दोपहर शाम करें। इससे आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंप्रूव होगी, लंग्स में इन्फ्लामेशन कम होगा, आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये एक्सरसाइजेज आपको कोरोना के स्टार्टिंग से ही कर देना है। आपकी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब से ही एक्सरसाइज आप सारी स्टार्ट कर दें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, होल्डिंग एक्सरसाइज करें और गुब्बारा फुलाने की कोशिश करें। स्पायरोमीटर नहीं है तो उसके बाद आपको कफिंग हफिंग करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।